वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम लोग बीएड के एक कोर्स टीचिंग एंड लर्निंग इम्पॉर्टेंट होता है सब बच्चों के लिए और इसको कहा जाता है बैकबोन ऑफ बीएड कोर्स। इस कोर्स के अंदर बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे यूनिट्स हर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में रखे जाते हैं। लगभग सब क्या सेम होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। आज के इस कोर्स, आज की इस वीडियो में हम इस कोर्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट पे हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं और उस पॉइंट का नाम हम आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हाउ टीचिंग एज ए प्लान्ड एक्टिविटी एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स एंड एजम्पशंस। टीचिंग जो है, शिक्षण कैसे एक योजनाबद्ध गतिविधि है, हिंदी में इसको कहते हैं। और शिक्षण के जो टीचिंग की जो एलिमेंट्स हैं जिसको हम तत्व कहते हैं और फिर इसकी जो एजम्पशंस हैं जिसको हम मान्यताएं कहते हैं, तो टीचिंग की एलिमेंट्स और एजम्पशंस क्या क्या होती हैं, इन दोनों के ऊपर हम सब लोग आज बात करेंगे और टीचिंग कैसे एक प्लान्ड एक्टिविटी है इसके ऊपर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग लाइन है, टीचिंग इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि टीचिंग जो है एजुकेशन का एक अभिन्न हिस्सा है, बिना टीचिंग के एजुकेशन संभव नहीं है। हम किसी भी इंसान को शिक्षित या उसको शिक्षा देना चाहते हैं तो उस शिक्षा को उस व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम, एक मीन टीचिंग होता है। अब टीचिंग जिस स्तर की होगी उस व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, उस व्यक्ति के पास नॉलेज या उस व्यक्ति की जो अचीवमेंट्स हैं वो उस टीचिंग के लेवल पे डिपेंड करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टीचिंग जो है एजुकेशन का एक अभिन्न हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है और इम्पोर्टेंट पार्ट भी, और दोनों एक दूसरे से को प्रभावित करता है। टीचिंग जैसी होगी एजुकेशन वैसा होगा। अगर एजुकेशन ख़राब है तो इसका मतलब है टीचिंग भी ख़राब हुई है, टीचिंग का लेवल उतना अच्छा नहीं है, इसलिए यह एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन है। और इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन है तो एजुकेशन को हम क्या कहते हैं, एजुकेशन होता क्या है। तो एजुकेशन का एक बेसिक एक लाइन हमेशा कही जाती है उसको कि चेंज इन डिजायरेबल बिहेवियर। किसी भी इंसान के जो व्यवहार में परिवर्तन है अगर वो डिजायरेबल हो रहा है, मनचाहा हो रहा है, टीचर के अनुसार हो रहा है, जैसा सोसाइटी चाह रही है वैसा अगर हो रहा है, तब हम उस इंसान के अंदर या तब हम उस प्रक्रिया को शिक्षा कहेंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है कि हम उसके अंदर बिहेवियर में चेंजेस आ नहीं रहे हैं और चेंजेस आ जब नहीं रहे हैं तो एजुकेशन आ नहीं रही है या उसके पास एजुकेशन पहुंच नहीं पा रही है। तो एजुकेशन का मतलब है कि उसके अंदर व्यवहार में परिवर्तन हो, और व्यवहार में परिवर्तन बिहेवियर में चेंज कैसे आए, तो वैसा चेंजेस आना चाहिए जो डिज़ायरेबल हो। डिज़ायरेबल का मतलब ये है कि जैसा सोसाइटी चाहती है, जैसा सिलेबस करिकुलम चाहता है, जैसा राष्ट्र चाहता है, जैसा समाज चाहता है, जैसा परिवार चाहता है, अगर वैसे चेंजेस किसी भी इंसान के बिहेवियर में आते हैं तब हम उसको एजुकेशन कहेंगे, अन्यथा एजुकेशन नहीं कहेंगे। तो यह बिहेवियर में चेंजेस, एक इंसान को नाकाम से कामयाब बनाना, एक इंसान को जीरो लेवल से हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट तक पहुंचाना, ये सारा चीज़ किसकी मदद से होता है, तो विद दी हेल्प ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन किसकी मदद से दी जाती है, तो एजुकेशन टीचिंग के द्वारा होती है। शिक्षण के द्वारा ये संभव है कि बच्चों के अंदर शिक्षा आए, एजुकेशन आए, तो इसलिए एक दूसरे से ये दोनों जुड़ी हुई है। और जब ये बिहेवियर में चेंज लाती है एजुकेशन, व्यवहार में जब परिवर्तन लाती है, इंसान के जीवन को परिवर्तन करती है, इंसान के सोचने समझने की जो क्षमता है उसमें चेंजेस लाती है, उसमें डेवलपमेंट करती है, तो यह एक बहुत ब्रॉडर सेंस में एक वृहद पैमाने पर की जाने वाली एक प्लान्ड एक्टिविटी ज़रूर होगी।
जब कोई भी छोटा सा भी काम हम करते हैं अपने समाज में, एक फंक्शन छोटा सा भी करते हैं, तो उसमें भी प्लानिंग होती है। तो यह तो एक ऐसा काम है जो एक इंसान के जीवन को ही परिवर्तित कर देता है, शिक्षा और टीचिंग। तो इसको करने के लिए प्लानिंग कैसे न की जाए या कैसे इसमें प्लानिंग नहीं होगी, यह संभव नहीं है। तो बिना प्लानिंग के ये इतना बड़ा काम संभव नहीं है, तो इसमें प्लानिंग की जाती है। और यह कैसा है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। कॉम्प्लेक्स टास्क का मतलब एक बहुत ही जटिल वर्क है। जटिल कहने का मतलब, इसको एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं कि बीना के जो तार होते हैं उसको इतना ही खींचा जाता है जितना कि वो टूटे ना। अगर उसको ज़्यादा खींच दिया जाए तो वो टूट जाएगा, और इतना भी कम ना खींचा जाए जिससे उससे सुरीली आवाज़ ना निकल पाए। तो इसलिए इन दोनों क्रियाओं के बीच में एक बैलेंस रखा जाता है। तो शिक्षण के बीच में भी एक बैलेंस होता है, उसके अंदर टीचिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती है, इस प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ होता है, इसको हम सीक्वेंस में समझते हैं। पहली जिसकी, ये कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक जटिल वर्क है। और जब कोई काम बहुत जटिल होता है तो उसको करने के लिए हम बहुत सोच समझ के आगे बढ़ते हैं। और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ने का मतलब है कि हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं। उसको जब हम सिस्टमेटिक वे में प्लान करते हैं तो एक सिस्टम में हम वर्क करते हैं। सिस्टम में वर्क करने का मतलब है कि हम उसमें सीक्वेंस लाते हैं। जब सीक्वेंस आने का मतलब ये हुआ कि पहले कौन सी चीज़ें आएंगी, बाद में कौन सी आएंगी और अंत में कौन सी चीज़ आएंगी, इस सीक्वेंस का हम ख्याल रखते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। तो जब ये सिस्टमेटिक होगी तो उसको, जब आप जानते हैं कि सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस या साइंटिफिक स्टडी कहलाती है। तो जब ये सिस्टमेटिक स्टडी होगी तो ये साइंस भी होगा, और जब साइंस होगा तो साइंस के अंदर कुछ आर्ट्स के भी गुण आते हैं। तो यह टीचिंग क्या हो जाती है, साइंस भी होती है और आर्ट भी हो जाती है। अब जब ये साइंस और आर्ट है, सिस्टमेटिक प्लानिंग है, जब प्लान करते हैं किसी भी इंसान के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए, तो उस इंसान के पूरे बैकग्राउंड को ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। अब उसमें उसकी उन साइकोलॉजी के साइकोलॉजिकल वे में करते हैं हम उस वर्क को। टीचिंग कैसे की जाती है, तो साइकोलॉजिकल वे में की जाती है। अब ये साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे की जाती है, तो मनोवैज्ञानिक तरीके में बहुत सारा तरीका आता है, जिसमें एक विशेष रूप से हम लोग इस एक चीज़ पर ध्यान देते हैं जिसमें इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएँ। तो जब हम किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ख्याल रख करके, उसको समझ करके जब हम किसी काम को करते हैं, और यहाँ जो काम हो रहा है वो क्या, टीचिंग है, जब टीचिंग को करते हैं तो उसके जो रिजल्ट आते हैं वो ऐसे आते हैं, वो डिज़ायरेबल चेंजेस आते हैं। अगर हम इसके इंडिविजुअल, बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएँ, कोई बच्चा धीरे धीरे सीखता है, कोई तेज़ी में सीख जाता है, कोई एक सेंटेंस को, एक डेफिनेशन को एक बार सुन के याद कर लेता है, कोई बच्चा 10 बार सुनने के बाद, समझने के बाद याद करता है, कुछ बच्चे 10 बार सुनने के बाद भी अधूरा ही याद कर पाते हैं। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है। जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से इंसान के अंदर भी डिफरेंस हर व्यक्ति के अंदर पाया जाता है। तो लर्निंग भी चेंजेस, लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो भी हर इंसान में अलग अलग पाई जाती है। उसी को हम साइकोलॉजी में इंडिविजुअल डिफरेंस करते हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंस के हिसाब से अगर टीचिंग की जाएगी तो चेंज इन डिजायरेबल बिहेवियर आएगा, उस इंसान के अंदर चेंजेस आएंगे। इसके साथ साथ उसके जो जितने बैकग्राउंड है, उस बच्चे के जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में क्या चीज़ें हैं, तो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है, उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, वो ऐसे सोसाइटी से आता है जहाँ टीचिंग और लर्निंग की कोई बात, पढ़ने लिखने की कोई बात हुआ नहीं करती थी, उसको डायरेक्ट स्कूल में ला दिया गया, तो वहाँ पर उसको शुरू से सिखाना पड़ेगा, उसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इसको हमें कैसे पढ़ाना और सिखाना है। अब इंडिविजुअल डिफरेंस को देख करके हम उसको पढ़ाते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको टीचिंग कराते हैं। अब जब इसके बाद अटेंड द प्री डिटरमाइंड गोल, अब ये जो टीचिंग है, जब प्लान्ड है, तो प्लानिंग के दौरान हम पहले ही ये सोच लेते हैं कि मैं जो इस काम को करने जा रहा हूँ तो इसके उद्देश्य क्या होंगे, इस काम को करने के बाद रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं या क्या आने चाहिए मुझे पढ़ाने के बाद। तो उसको जो है प्री डिटरमाइंड गोल्स कहा जाता है, उसको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी दूसरे टर्म में कहा जाता है, अनुदेशात्मक उद्देश्य भी।
कहा जाता है कि जो टीचर अनुदेशन करता है, इंस्ट्रक्शन देता है क्लासरूम में किसी भी कंटेंट को पढ़ाने के दौरान, तो उसको पढ़ाने का कुछ प्री डिटरमाइंड गोल होता है ना, उसके कुछ पढ़ाने के कुछ उद्देश्य होते हैं, उसको वो पहले ही से फिक्स किए हुआ था कि मुझे जाना है, इस कंटेंट को पढ़ाना है, इस बच्चे को पढ़ाना है, और पढ़ाने के बाद इस बच्चे में क्या क्या चेंजेस आनी चाहिए इस कंटेंट के बाद, इस क्लासरूम को ख़त्म करने के बाद, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद उन बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप हो जानी चाहिए, उसी को प्री डिटरमाइंड गोल कहते हैं। ये सारी जो एक्टिविटीज़ है जो प्लान्ड एक्टिविटीज़ के अंदर आती है टीचिंग में, ये प्लानिंग अकर्स इन डिफरेंट स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स के अंदर होती है, वन बाई वन, एक चीज़ के बाद दूसरी के बाद तीसरी आती है, कॉल्ड फेजेज ऑफ टीचिंग। अब एक चीज़ इसी कोर्स के अंदर पढ़ना होता है, फेजेज ऑफ टीचिंग, वो तीन फेज होता है, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग। ये तीनों फेज ऑफ टीचिंग के अंदर ये प्लानिंग होती है। तो टीचिंग तो पूरी ओवरऑल टीचिंग हुई, और उस टीचिंग को प्लान किया जाता है कि हम कैसे कैसे करते हैं, ये पूरी चीज़ आज यहाँ बताई गई, लेकिन ये तीन स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। प्री एक्टिव फेज, जब टीचर क्लासरूम में जाने से पहले प्लानिंग करता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मेथड ऑफ टीचिंग क्या होगी, किस स्किल्स का यूज़ करना है, कौन से कंटेंट को पढ़ाना है, ये सारी प्लानिंग क्लासरूम में जाने से पहले करता है। क्लासरूम में आने के बाद उन सारी प्लानिंग्स को यह क्रियान्वयन करता है, उसको अप्लाई करता है, उस मेथड्स को, उस स्किल्स को, उस कंटेंट को, और कैसे पढ़ाना है, कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछने हैं, इस क्लासरूम को कैसे आगे बढ़ाना है, क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें वो क्लासरूम में आने के बाद 40 मिनट या 50 मिनट में पढ़ाता है, अप्लाई करता है। फिर वो जब इस क्लासरूम से निकलता है तो उसके बाद जब निकल जाता है तब असेसमेंट करता है, लास्ट में असेसमेंट करता है, इवेल्युएशन करता है कि हमने जो 40 मिनट की क्लास में जो प्लान करके हमने पढ़ाया है, वो हमारे पढ़ाने का मकसद, जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो हम पढ़ाना चाह रहे थे, जैसा पढ़ाना चाह रहे थे, वो कहाँ तक अचीव हो पाया है, उसका जो इवेल्युएशन करता है वो पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग में करता है। तो प्री एक्टिव फेज पहले, क्लासरूम से पहले, इंटरएक्टिव फेज क्लासरूम के बीच में, और पोस्ट एक्टिव फेज क्लासरूम के बाद का होता है। तो ये जो प्लानिंग है, पूरी जो प्लानिंग है या प्लान्ड एक्टिविटी जो टीचिंग है, वो इन तीनों फेज के बीच में चलता है, इन तीनों फेज में चलता है। ये प्लानिंग की बात हुई। अब स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, अब इस जब टीचर प्लान करता है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। यहाँ जो है तीन स्टेप्स दिए गए हैं। पहला स्टेप क्या है, तो बिगिंस विथ गोल्स। आपको पता है किसी भी वर्क को करने के लिए प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, यहाँ लिखा प्री डिटरमाइंड गोल्स होते हैं, पूर्व निर्धारित उद्देश्य होते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देने से पहले टीचर फिक्स कर लेता है कि मुझे पढ़ाने के बाद या मेरे इस कंटेंट को पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे। तो ये प्री डिटरमाइंड गोल्स वो पहले फिक्स कर लेता है। उसके बाद मटेरियल्स एंड एक्टिविटीज एज मीन्स ऑफ अटेनिंग गोल्स। वो जो मटेरियल कहने का मतलब है जो कंटेंट, जो सब्जेक्ट, जिस चीज़ को वो पढ़ाने जा रहा है, जिस चीज़ को समझाने जा रहा है, वो क्या हो जाता है यहाँ पर मटेरियल का हो जाता है, वो मटेरियल की तरह व्यवहार करता है। अब मटेरियल एंड क्या है, एक्टिविटीज के अंदर आप जानते हैं टीचर आता है तो ये आर्ट भी है, टीचिंग क्या है, आर्ट भी है, और आर्ट के अंदर कुछ एक्टिविटी भी की जाती है, जैसे ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज, क्वेश्चनिंग, और ये सारी उसके बाद लेक्चर देना या कंटेंट को एक्सप्लेन करना, बच्चों से क्वेश्चन करना, उसको रीइंफोर्स करना, स्टिमुलस देना, ये सारी चीज़ें उस एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती है जो क्लासरूम के अंदर टीचर करता है। तो वो एक्टिविटीज़ और वो मटेरियल जिसकी मदद से, मीन्स ऑफ अटेनिंग गोल, जिसके मदद से टीचर जो है अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य तक पहुंचने की कोशिश करता है, जिसको पहले पॉइंट में उसने फिक्स किया था कि मैं किस किस उद्देश्य को मुझे प्राप्त करना है इस कंटेंट को पढ़ाने के बाद, कि बच्चे क्या क्या सीख जाएंगे, तो उस गोल तक पहुंचने के लिए वो मटेरियल और एक्टिविटी का सहारा लेता है। कहाँ तक पहुंचने के लिए, तो अटेनिंग गोल, उद्देश्य तक, उसके एम्स तक पहुंचने के लिए। लास्ट पॉइंट है टर्मिनेट, मतलब ख़त्म होती है ये प्रक्रिया किस चीज़ की, प्लानिंग की विथ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन पे जाके ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है।
द डिग्री ऑफ विच द इंस्ट्रक्शनल गोल्स हैव बीन अचीव्ड, जो इंस्ट्रक्शनल गोल्स उसने पहले स्टेप में फिक्स किए थे उसको वह कहाँ तक प्राप्त कर पाया इस क्लासरूम में 40 मिनट बिताने के बाद या इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद, उसने जो उद्देश्य प्री डिटरमाइन किए थे, पूर्व निर्धारित किए थे, उस उद्देश्य तक कहाँ तक पहुँच पाया, कितने डिग्री तक वो सक्सेस हो पाया, इसको वह चेक करता है इवेल्युएशन के द्वारा। बच्चों से टेस्ट लेता है, एग्जामिनेशन लेता है, वर्बल भी हो सकता है जिसको ओरल कहते हैं, रिटर्न भी हो सकता है, और ऐसे ही जनरली आप स्टूडेंट्स के असेसमेंट आप कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर भी। तो ये लास्ट स्टेप होता है, तीनों में गोल्स आपको हाईलाइट कर दिए गए हैं, मतलब तीनों जो स्टेप्स ऑफ प्लानिंग है वह किस चीज़ को ध्यान में रख के की जाती है, तो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य को ध्यान में रख करके टीचिंग की जाती है, उसकी प्लानिंग की जाती है और असेसमेंट भी किया जाता है। तो किस चीज़ को देख करके कि उद्देश्य जो हमने निर्धारित कर रखे थे वह प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या थी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग थी। अब टाइप्स ऑफ प्लानिंग तीन तरह की ये भी होती है, तीन तरह की प्लानिंग है। लॉन्ग रेंज प्लान फॉर ईयर, एक टीचर पूरे एक साल के अंदर प्लान करता है कि मुझे क्या क्या एक्टिविटीज इस क्लासरूम में इस कंटेंट को इस कोर्स को कंप्लीट करने में करनी है। दूसरा होता है प्लानिंग फॉर यूनिट, एक यूनिट को कंप्लीट करने के लिए मुझे कितने क्लासेस की आवश्यकता है, मुझे क्या क्या कंटेंट पढ़ाना है, कैसे कैसे पढ़ाना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है। अब प्लान फॉर ईच डे वर्क, हर डे का जो लेसन प्लान करता है टीचर वह इसी पर डे के वर्क में होता है। प्लान फॉर ईच डे वर्क, हर दिन के जो क्रियाकलाप होते हैं क्लासरूम में जाने के बाद या उससे पहले के, उन सब को वह प्लान करता है, वो पर डे इसको करता है। तो ये तीन तरह की प्लानिंग होती है। उसके बाद एक चीज याद रखना है कि ऑल दिस प्लानिंग कंप्लीट विद इन द थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग। ये किसकी सब तरह की जो प्लानिंग है, ऑल दिस प्लानिंग जो टोटल प्लानिंग है वो किसके अंदर आती है, थ्री फेजेस ऑफ टीचिंग, प्री एक्टिव फेज, इंटर एक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग के अंदर ये सारी प्लानिंग आती है। लास्ट इसमें एलिमेंट्स एंड एजम्पशंस, आपको ये टीचिंग एज ए प्लान्ड एक्टिविटी कैसे हुई, वो यहाँ तक इतनी बातें, प्लान्ड एक्टिविटी कैसे टीचिंग उसके बारे में हुई। अब यहाँ है कि या इसके एलिमेंट्स एंड एजम्पशंस, इसके जो तत्व है और इसकी जो मान्यताएं हैं शिक्षण की वो क्या क्या है। तो इसकी जो तत्व है एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग थ्री है, थ्री एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग है, टीचर स्टूडेंट्स एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या इसी को लर्निंग एनवायरमेंट कहते हैं। इसके इसमें एक टीचर होता है, स्टूडेंट होता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस या लर्निंग एनवायरमेंट होता है। टीचर जो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, स्टूडेंट जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस या लर्निंग एनवायरमेंट जो होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल कहलाता है। ये तीनों वेरिएबल्स के बीच में ये पूरी प्रक्रिया टीचिंग की चलती है और इसी को एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग कहते हैं। पहला जो है टीचर, टीचर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मतलब इस यह जो भी काम करेगा उसका प्रभाव बच्चों पर पड़ेगा, तो जिस पर पड़ता है वो डिपेंडेंट होता है और जिसका प्रभाव पड़ता है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यह टीचर क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह कार्य करता है, यह टीचिंग में जो भी काम करता है चाहे वो प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, लीड करता है, कंट्रोल करता है बिहेवियर को और डिफरेंट जो है एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है क्लासरूम के अंदर, ये सारे कार्य किस चीज के किसके द्वारा किए जाते हैं, तो टीचर के द्वारा करते हैं। किस चीज के लिए, तो चेंज इन बिहेवियर लाने के लिए, बच्चों के अंदर कुछ विशेष परिवर्तन लाने के लिए टीचर पूरे क्लासरूम में जितनी भी एक्टिविटीज होती है क्लासरूम के बाहर उन सब को प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है, चेंज लाता है बहुत सारे, और बहुत सारी चीज़ें वो खुद से परफॉर्म भी करता है किस चीज़ के लिए, तो बच्चों के अंदर चेंजेस लाने के लिए। तो ये पहला जो इसका एलिमेंट है टीचर, उसके बारे में हो। दूसरा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के बारे में बताया कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल कहने का मतलब है कि टीचर का प्रभाव, टीचर की एक्टिविटी का प्रभाव, टीचर के बिहेवियर का प्रभाव, टीचर जो भी काम करता है उसका प्रभाव स्टूडेंट पर पड़ता है, इसलिए यह डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। टीचर जैसा होगा वैसा स्टूडेंट भी बनेगा, टीचर जैसा वर्क करेगा वैसा स्टूडेंट के अंदर चेंजेस आएंगे।
तो इसलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। और ये जितनी भी प्लानिंग ऑर्गेनाइज जो करता है टीचर क्लासरूम में एक्टिविटीज करता है, बहुत सारे एक्टिविटीज को वो खुद से परफॉर्म करता है और कुछ चीज़ों को वो कंट्रोल करता है, कभी कभी कुछ चीज़ों को चेंज भी करता है। ये सारी चीज़ें जो टीचर करता है किसके लिए करता है, तो स्टूडेंट के लिए करता है। इन सब काम को कौन करता है, तो स्टूडेंट करता है। और स्टूडेंट जो है इसके बाद एक्टिविटीज़ में भाग लेता है, चेंजेस उसके अंदर आते हैं जो टीचर वो करवाता है जो एक्टिविटीज़, तो वो उसको सीखता है। मतलब स्टूडेंट्स को लर्निंग, उसकी लर्निंग होती है टीचर जैसा वो चाहता है। तीसरा है इन्वायरमेंट, तीसरा है लर्निंग एक्सपीरियंस या लर्निंग एनवायरनमेंट। ये दोनों के बीच में आता है। और टीचिंग और स्टूडेंट की लर्निंग, टीचर और स्टूडेंट के बीच एक एनवायरनमेंट होता है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है टीचिंग में। जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी टीचिंग होगी, और जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसी लर्निंग होगी। तो टीचिंग और लर्निंग के बीच में एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। और यह इसी के अंदर, इसी एनवायरनमेंट के अंदर, इसी वातावरण के अंदर टीचिंग की सारी एक्टिविटीज़ की जाती है। और इसका प्रभाव जो है टीचिंग पे और लर्निंग पे पड़ता है। तो ये थ्री एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग हो गई। अब एजम्पशंस की बात होती है कि टीचिंग की मान्यताएँ क्या क्या होती है। बहुत सारी मान्यताएं होती हैं जिसमें तीन चार महत्वपूर्ण हैं जिसकी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। पहली ये मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सब्जेक्ट को जानता समझता है और उसको उसकी उस सब्जेक्ट के ऊपर अगर पकड़ है, ग्रिप है, तो वो शिक्षण कर सकता है। ये बात गलत है। सिर्फ कंटेंट नॉलेज से, किसी इंसान के सब्जेक्ट के ज्ञान से टीचिंग नहीं की जा सकती है। टीचिंग आपको पता है कि प्लान्ड एक्टिविटी है, इसमें ट्रेनिंग, इसमें एक्सपीरियंसेस, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके इथिक्स हैं, उन सब का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए ये अजम्पशन जो है पुरानी मान्यता है कि जो इंसान सब्जेक्ट का कंटेंट ज्ञान रखता है, सब्जेक्ट के कंटेंट को जानता है, वो टीचिंग करा सकता है। दूसरा इसके अंदर ये आता है कि कोई भी इंसान पढ़ा सकता है, कोई भी इंसान पढ़ा सकता है, वो उसको स्पेशल किसी ट्रेनिंग, किसी सब्जेक्ट नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, वो पढ़ करके पढ़ा सकता है। ये भी चीज़ें सही होती नहीं है, ये अजम्पशंस मान्यताओं के अंदर आती है। टीचिंग की अपनी, आपको बताया कि अपनी एक जो प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, इसके बिना टीचिंग नहीं हो पाती। ये तीसरा जो है कि ये एक ट्रेडिशनल अजम्पशन है कि एक बहुत पुरानी ये मान्यता है, लोग कहते चले आते हैं कि टीचर बाय बर्थ होता है, टीचर बाय बर्थ होता है, तो ये गलत बात है। ये बहुत जगह ये लिखा हुआ, हमेशा ये बात आती है, इस पर डिस्कशन होता है कि टीचर बाय बर्थ होता है कि टीचर जो है बनाया जा सकता है, उसको ट्रेन किया जा सकता है या ट्रेनिंग के बाद टीचर बनता है। तो ये बात हमेशा कही जाती है कि नहीं, टीचर बाय बर्थ नहीं होता है। टीचर जो है यहाँ आने के बाद, जब उसको प्रोफेशंस में अगर मन लगता है टीचिंग के, उसके पास अगर कुछ स्किल्स होती है, कुछ इथिक्स होते हैं, उसको कुछ अगर प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग पता है और नॉर्म्स एंड रेगुलेशन पता है और वो ट्रेनिंग अगर उसको एप्रोप्रिएट मिली है, तब वह जो है टीचिंग या टीचर हो सकता है। बाय बर्थ कोई टीचर नहीं बन सकता है। तो ये अजम्पशंस ऑफ टीचिंग। तो आप पूरी जो इस क्लासरूम के अंदर में टीचिंग एक प्लान्ड एक्टिविटी कैसे है, इसके एलिमेंट्स और एजम्पशंस की बात की गई। आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी लिख सकते हैं और इसको शॉर्ट क्वेश्चन में जो भी ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उससे संदर्भित आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाएंगे। अगर इसको आप एक दो बार पॉज करके या नोट कर लेते हैं या लिख लेते हैं, तब आपको इसमें कामयाबी मिलेगी और सारे एग्जामिनेशन में आपको इसका जो है फ़ायदा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।